This is the day the Lord has made. Let's rejoice and be glad because Jesus Christ is alive. और ये वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है. होने दे हम इसमें आनंदित हो जाएं क्योंकि यीशु मसीह जीवित है. No one else can give us that confidence to face our uncertain tomorrows. क्योंकि कोई और दूसरा ऐसा है ही नहीं जो हमें यो ऐसा ही आवर भरोसा दे कि हम अपने अनिश्चित भविष्य का सामना कर पाए. So today's meditation is from Mark's Gospel chapter 6 verses 1 to 6. और आज के सुबह के मनन को हमने लिया है मरकुस रचित सुसमाचार उसका छठा अध्याय. What? पहले वचन से लेकर छठे वचन तक. Let us hear what this passage says. और आइए हम सुने ये वचन में किस प्रकार क्या लिखा है. वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए. सबात के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई हैं? यह कौन सा ज्ञान है जो इसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या ये वही बड़ा ही नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, यूसुफ, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई. यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपना देश और अपने कुटुंब और अपने देश को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता. वह वहाँ कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा. आमेन. आमेन. हाउ एप्ट और हाउ क्विक मेन आर टू अंडरवैल्यू थिंग्स विद विच दे आर फेमिलियर. और कितनी जल्द मनुष्य या मानव उन बातों को कम आता है जिनको वो अच्छे से जानता और पहचानता है. By doing so, और ऐसा करने के द्वारा, the people of Nazareth undervalued the very Son of God. नासरत नगर के लोगों ने यीशु मसीह को कम जाना. The one who came as their Messiah. एक ऐसा जो उनका मसीहा के रूप में आया. It says here. और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है. The men of Nazareth were offended because of him. कि नासरत नगर के लोग उससे नाराज हुए. Never had any place on earth such privilege as Nazareth. और नासरत को छोड़ ऐसा स्थान को जिसके पे था ही नहीं जिसके पास ऐसा सौभाग्य हो. For 30 years, 30 साल तक, the Son of God resided in this town. परमेश्वर का पुत्र इसी नगर नासरत में रहा. For 30 years, 30 सालों तक, he walked with God before their very eyes. वो परमेश्वर पिता के अनुसार उसके संग चला उनकी आंखों के समुख. Jesus walked with his Father, God. और यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर के संग चला. For 30 years, 30 सालों तक, he lived a blameless and perfect life. उसने एक दोष रहित और एक सिद्ध जीवन को बिताया. But they were all lost to them. लेकिन ये सारी बातें उनके लिए खो गई थी. They could not believe the gospel. और वो उन्होंने सुसमाचार पर कोई विश्वास ना किया. They couldn't accept that one whose face they knew well. और वो इस बात को ग्रहण करने को तैयार नहीं थे कि एक ऐसा जिसके चेहरे को वो भली भांति जानते थे. Who ate and drank and dressed up like one of them. और जिसने खाया पिया और उनके समान कपड़े पहने. Had any right? This is their conclusion. The town's people's conclusion. Such a person had no right to claim their attention. और उस नगर के लोगों का ये परिणाम या ये निष्कर्ष था कि एक ऐसे व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो उनके ध्यान को. So at the age of 30, और इसलिए 30 साल की उम्र में, when God began his work through his son Jesus Christ, जब परमेश्वर पिता ने अपने कार्यों को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुरू किया, his own
townspeople, his own people could not just simply accept it. तो उसके अपने नगर के लोगों ने, उसके अपने लोगों ने उसे ग्रहण ना किया. Whose face was very familiar. जिसका चेहरा बहुत जाना पहचाना. Who ate and drank with them. जो उनके संग खाया और पिया. And who was like one of them. और जो उनमें से एक के, उनमें से एक के समान था. Except nobody could point out any mistake or any mischief or any sin in his life. और कोई भी उसके जीवन में किसी प्रकार की गलती, किसी प्रकार का दोष या किसी प्रकार का पाप नहीं निकाल सकता. They concluded. और इस बात का निष्कर्ष निकाला. That this one from among us. कि ये जो हमारे बीच में से एक है. What right he had to claim their attention. उसके पास क्या अधिकार है कि वो हमारे ध्यान को अपनी ओर खींचे. So they were offended. और इसलिए वो निराश और दुख और नाराज हुए. And the same thing is going on around us today. और आज के दिन भी हमारे संग भी यही बातें हो रही हैं. We can only appreciate and accept anything that is out of the world. और हम सिर्फ ऐसी ही बातों की सराहना करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं जो संसार की बाहर की बातें हैं. But they, in thinking so, और ऐसा सोचने में, and expecting so, ऐसा आशा करने में, they, though Jesus Christ came from heaven, भले ही यीशु मसीह उस स्वर्ग से आया, they simply could not accept him because they couldn't see any difference that he has from themselves. क्योंकि वो यीशु मसीह को ना ग्रहण पाए, क्योंकि वो यीशु मसीह में और अपने आप में किसी अंतर को नहीं देखते. The way he arrived और जिस तरीके से वो आया was not acceptable to them. उनके उस आने के तरीके को वो ग्रहण योग्य नहीं था. They must have been expecting some supernatural way the Messiah to come. क्योंकि ये लोग तो हो सकता है बड़े दैवीय तरीके से उस मसीह की आने की आशा लगाए हुए थे. Though it was supernatural way, भले ही उस यीशु का आगमन एक दैवीय रीति से हुआ, they could not see it. लेकिन फिर भी वो उस बात को ना देख पाए. And simply because he was born in the natural way. और साधारण रीति से, क्योंकि उसका प्राकृतिक रूप से जन्म हुआ. And he was born in the poorest of poor woman. और एक ऐसी माँ के वो जन्मा जो गरीबों में भी गरीब गिनी जाती थी. All these and grew up in the same poor surrounding. और ऐसे ही गरीब वातावरण में उसका जन्म और पालन पोषण हुआ. He had to take care of Mr. Joseph's business after his death. To care for the other brothers and sisters. और उसे अपने पिता यूसुफ के कार्य को, बढ़ई के काम को करना पड़ा ताकि वो अपने परिवार का रख रखाव कर सके. And so he was quite natural. तो ये बात बड़ी स्वाभाविक थी. They couldn't see anything unnatural or supernatural. इसलिए वो कोई भी ऐसी बातें जो स्वाभाविक हो उन्हें नहीं देख पाते. And that arrogance और वो कठोरता could not be removed even when they could see clearly the supernatural works that Jesus began to do. और वो कठोरता तब भी उनकी ओर से नहीं निकल पाई जब वो प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों और चिन्हों को देखते थे. All kinds of miracles. हर प्रकार के चमत्कार. Think of the feeding of the 5,000. आप सोचिए 5,000 को खिलाने के. Think of the blind seeing and deaf hearing, dumb speaking. और फिर से सोचिए अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे. And think of the dead rising up. और सोचिए कैसे वो मरे हुए फिर से जी उठे. These were the signs actually they were looking for anyone to come and be the Messiah. और ये वो चिन्ह हैं जिनकी ओर वो खोज रहे थे किसी एक के लिए जो मसीहा ठहरेगा. So once some prejudice is settled in. और इसलिए अगर ऐसा कोई पक्षपात जब किसी के मन में आ जाए. Nothing could remove it. तब उसे कोई भी दूसरी बात नहीं. So they remained in their unbelief and thus missed out the privilege that God has bestowed upon that town. और इसलिए वो अपने अविश्वास में बने रहे और उस आशीष का भाग ना बन सके जो परमेश्वर पिता ने उस नासरत नगर पर उड़ेली थी. And that is what is happening today. और यही बात आज के दिन होती है. Anything very familiar? ऐसी कोई भी बात बहुत जो जानी पहचानी हो. People can't see anything supernatural. और इसलिए लोग बड़े प्राकृतिक रूप से
उसे नहीं देख सकते. Even if there are miracles happening. और बड़े चाहे चिन्ह और चमत्कार हो रहे. Oh, how blind people are made by the devil. और कितना शैतान ने लोगों को अंधा बना दिया है. And it takes the work of God's grace to open our eyes. और ये तो परमेश्वर के अनुग्रह की कार्य की आवश्यकता है कि हमारी आंखें खुलने. So I pray. और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ. That God's grace will appear to many people through your life. कि परमेश्वर का अनुग्रह कईयों के जीवन में आपके जीवन के द्वारा आने पाए. Don't miss out God's amazing, miraculous, supernatural things that can happen in your life and through your life in your village, in your city, in your town. और जो आशीषें आपके जीवन में आ सकती हैं और आपके द्वारा आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके नगर में आ सकती हैं. Jesus Christ is the same. यीशु मसीह उद्धार करता है. So don't push him out. Amazing things can happen if you continue to remain in him and allow him to be in you. और इसलिए यीशु मसीह को आप अपने हृदय से बाहर ना धकेले, लेकिन अद्भुत बातें और आश्चर्यकर्म हो जाएंगे जब आप उसमें और वो आप में बना रहे. Lord Jesus. हे प्रभु यीशु. We need you. हमें आपकी आवश्यकता है. We need your Holy Spirit. हमें तेरे पवित्र आत्मा का आवश्यकता. In order to open our eyes. ताकि हमारी आंखें खुलने पाए. Open our inner eyes. हमारी अंदरूनी आंखों को आप. That we may see clearly. ताकि हम स्पष्ट रीति से देखने पाए. And acknowledge Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु कहकर जानने पाए. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद पिता. मे योर नेम बी ग्लोरिफाइड अमंग अस. नाम को महिमा मिले हमारे बीच में. ऑल ऑनर एंड ग्लोरी टू यू इन जीसस नेम. सारा आदर और महिमा आप ही को मिले यीशु के नाम में. आमेन आमेन.